हे फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बनाए हैं आलू बीन्स की सब्जी। ये सब्जी बिल्कुल ढाबा स्टाइल है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब्जी बहुत ही कम ऑयल में बना हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं सिंपल मसालों के साथ टेस्टी टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी, तो इस रेसिपी को जरूर से फॉलो कीजिए। तो देखिए कैसे बनाया मैंने आलू बीन्स की सब्जी को और इसमें क्या क्या मसाले मैंने यूज किए हैं। तो चलिए बनाते हैं आलू बीन्स की स्वादिष्ट सब्जी। हाय फ्रेंड्स, मैं विमला, मेरे विद्वान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि हर कोई चाहता है अपने घर पर बनाना, वो है ढाबा स्टाइल रेसिपी। ढाबा स्टाइल आलू बीन्स की सब्जी कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होते हैं। तो ये मैंने बीन्स लिया हुआ है, ये तो ये फ्रेंच बीन्स है। अगर आपको देसी बीन्स मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और एक आलू, यहाँ पे दो टमाटर। तो यहाँ पे मैं जो सब्जी की क्वांटिटी रखी हूँ वो दो पर्सन के लिए है, 2 से 3 पर्सन आराम से इसे खा सकते हैं। तो बीन्स को मैंने अच्छे से धो लिया है और आलू को भी, और यहाँ पे सभी सब्जियां मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। तो अब हम इन्हें कट कर लेंगे। तो बीन्स को हमें कुछ इस तरीके से कट करनी है कि इसके बहुत ज्यादा छोटे पीसेस हमें नहीं करने हैं, थोड़ी सी लेंथ इसकी रखनी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये देखिए, इसकी लेंथ कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो इतना बड़ा बड़ा पीस हमें करना है। तो मैं सभी सब्जियों को अच्छे से कट कर लेती हूँ। यहाँ पर सब्जियों को मैंने कट कर लिया है। कुछ इस तरीके से हमें आलू को कट कर लेना है और एक छोटा सा प्याज मैंने लिया था और ये बीन्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई को चढ़ाएंगे, कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए। तो उसके बाद मैं इसमें सरसों का तेल ऐड करूंगी। तो 2 बड़े चम्मच में सरसों का ऑयल यूज कर रही हूँ। ऑयल सरसों का अच्छे से जब गर्म हो जाए, अच्छे तरीके से गर्म हो जाना चाहिए सरसों का तेल, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो उभर कर आए और तेल का कच्चापन चला जाए। तो जब हल्का सा धुआं आने लगेगा तभी हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो हम सबसे पहले आलू और बीन्स को थोड़ा फ्राई करके निकालेंगे, जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते। तो मैं आलू को ऐड कर देती हूँ और साथ ही मैं बीन्स को भी ऐड कर दूंगी। दोनों को साथ में रोस्ट करेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम से लो रखना है ताकि सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। जब तक सब्जियां रोस्ट हो रही हैं, तब तक हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ग्राइंडर जार ले रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच धनिया, खड़ा धनिया लेना है हमें, 1 चम्मच जीरा, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 लाल मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक। इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, लहसुन, 2 लाल मिर्च और अदरक के टुकड़े। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी। अब इसे मैं बंद करके इसका एक मसाला तैयार करूंगी और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे हम इसमें एक पेस्ट तैयार करने के लिए। तो ज्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है। यहाँ पर सब्जियां भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से सब्जी जो है पक चुकी है। और तो हम इन सब्जियों को बाहर निकाल लेते हैं। ऑयल गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है, तो उसी ऑयल का यूज करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी मेथी दाना और प्याज। प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे, अच्छी तरीके से प्याज को रोस्ट करेंगे, तभी फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है इस सब्जी में। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है तो मैं इसमें ऐड करूंगी ये मसाला, ये गोल्डन मसाला जो हमने तैयार किया है, इसे ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाले को हम ढककर धीमी आंच में अच्छे तरीके से
रोस्ट करेंगे, क्योंकि मसाले हमने कच्चे ग्राइंड किए हैं, इसलिए इसे रोस्ट करना बहुत जरूरी है। तो 4 से 5 मिनट धीमी आंच में हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। मसाला हमारा रोस्ट हो गया है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज के टमाटर, और साथ में ही मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे, और इसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे धीमी धीमी आंच में टमाटर के गल जाने तक पकाएंगे। मसाले यहाँ पे रोस्ट हो गए हैं, ये देखिए, और टमाटर भी अच्छे तरीके से गल गया है। तो अब बारी है हमारी सब्जियों को ऐड करने की। तो सब्जियां मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, जो हमने फ्राई करके निकाली है, बीन्स और आलू। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए ढक करके थोड़ा पकाएंगे, ताकि सब्जियां और मसाले एक साथ हो जाए। सब्जियां और मसाले दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो अब बारी है इसमें थोड़ा पानी ऐड करने की। तो जिस कटोरी में मैंने मसाला लिया था, उसी कटोरी के हिसाब से मैं इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। आपको ज्यादा रसीला चाहिए तो आप थोड़ा ज्यादा पानी ऐड करें। तो मैं ना तो बहुत ज्यादा रसीला बना रही है, ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा, यानी बिल्कुल ढाबा स्टाइल गाढ़े रसीदार सब्जी हम बना रहे हैं, जैसा कि ढाबा में अक्सर खाने को मिलता है आलू बीन की सब्जी। तो इसे हम ढक करके अच्छे तरीके से पकाएंगे, और फ्लेम को अब मैं हाई पे कर दूंगी, ताकि अच्छे तरीके से बॉईल आए। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी तैयार है अच्छे तरीके से पक करके। आप देख रहे हैं कितनी स्वादिष्ट और यमी दिख रही है ये सब्जी। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और गर्मा गर्म आलू बीन्स की सब्जी को सर्व करते हैं। आप भी बनाइए इस शानदार सी आलू बीन्स की सब्जी को, यकीनन आपको ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये सब्जी है, और कम मसालों में बनी हुई ये सब्जी। आप बनाकर ही देखिएगा कितनी स्वादिष्ट है ये सब्जी, और जो मसाले हमने यूज किए हैं उन मसालों में कोई तामझाम नहीं है, आपकी किचन में आसानी से मिल जाएगी। आई होप आपको मेरी ये आलू बीन्स की सब्जी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।